तो गाइस जिस अपडेट का हमें काइन मास्टर पर कई दिनों से इंतजार था वो अब यहाँ पर ऑफिशियली अपडेट हो गया है, और उस अपडेट से आप कुछ इस टाइप के वीडियो को इस टाइप के वीडियो में बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो फिर चलिए देखते हैं क्या है अपडेट्स और कैसे उसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस काइन मास्टर ने 24 अप्रैल 2020 को चार नए अपडेट्स दिए हैं। उनमें सबसे पहला अपडेट जो है यहाँ पर कलर एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, सेकंड अपडेट जो है यहाँ पर इंटेंसिटी स्लाइडर से रिलेटेड है, थर्ड अपडेट जो है यहाँ पर फेसबुक शेयरिंग से रिलेटेड है, और फोर्थ अपडेट जो है वो वीडियो स्लो डाउन करने से रिलेटेड है। लेकिन जो सबसे पहला अपडेट है गाइस वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पहला अपडेट दिखता है और कैसे वर्क करता है। तो गाइज इस कलर ग्रेडिंग के अपडेट को देखने के लिए आपको आपके वीडियो लेयर पर क्लिक करना है, उसके बाद एडजस्टमेंट पर जाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें जो पहले ऑप्शन मिलते थे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन वो तो है ही, लेकिन उसी के साथ और भी नए ऑप्शन कलर ग्रेडिंग के दिखने लगे हैं। इस जैसे वाइब्रेंस है, टेम्परेचर है, हाईलाइट है, शाडोज, गेन, गामा, लिफ्ट, इसी के साथ और ह्यू भी ऑप्शन है। तो बेसिकली बहुत से ऑप्शन हमें यहाँ पर कलर ग्रेडिंग के मिल चुके हैं। तो गाइस ये जो कलर ग्रेडिंग का अपडेट हमें काइन मास्टर में मिला है ये कितना बड़ा है ये दिखाने के लिए मैं आपको एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर दिखाता हूँ जिसका नाम है डैविंसी रिजॉल्व कलर। बेसिकली गाइस इस वीडियो एडिटर में बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स और एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर एडिट होती है, इसके साथ उनका कलर करेक्शन भी इसी सॉफ्टवेयर में होता है। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि जो फीचर्स इस वीडियो एडिटर में अवेलेबल है वही हमें काइन मास्टर में मिले हैं। जैसे यहाँ पर लिफ्ट है तो हमने अभी अभी देखा, इसी के साथ गामा है, इसी के साथ गेन है, इसी के साथ गाइस ये ऑफसेट जो चौथा ऑप्शन है ये नहीं मिला है काइन मास्टर में, लेकिन ये पहले के तीनों मिल चुके हैं। तो इसे गाइस प्राइमरी कलर करेक्शन कहते हैं, इसी के साथ सेकेंडरी कलर करेक्शन भी होता है। तो गाइस वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें यहाँ पर कौन से ऑप्शन अवेलेबल है और कौन से हमें काइन मास्टर में मिले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ल्यूमिनेंस का ऑप्शन है, इसके साथ सैचुरेशन का ऑप्शन है और ह्यू का ऑप्शन है। तो गाइस ये भी हमें इनमें से भी बहुत सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो गाइस अब मैं आपको एक यहाँ पर शॉर्ट ट्यूटोरियल देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर नए कलर एडजस्टमेंट के फीचर्स वर्क करते हैं और आप कैसे कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। तो गाइस ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन को तो आप पहले से ही जानते हो। तो गाइस अब एक नया ऑप्शन आ गया है वाइब्रेंस। तो वाइब्रेंस बेसिकली काम करता है यहाँ पर जितने भी डल और म्यूट कलर है उन्हें सैचुरेट कर देता है, लेकिन इसकी एक खासियत है जो भी स्किन कलर होते हैं उन्हें यहाँ पर ये सेम मेंटेन रखता है। इसके बाद आता है गाइस टेम्परेचर, तो ये नाम के हिसाब से ही है। बेसिकली जब आप इसे बढ़ाते हो तो ये ऑरेंज शेड देता है सनी टाइप, और जब कम करते हो तब थंड टाइप ब्लू शेड देता है। तो गाइस इसके बाद आता है हाईलाइट। तो बेसिकली हाईलाइट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये जितना भी ब्राइट एरिया है उसकी जो लाइट होती है उसे कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद है गाइस शैडोज, तो शैडोज पूरा हाईलाइट का उल्टा ही है। इसमें आपको यहाँ पर जितना भी डार्क एरिया है उसे यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हो, उसकी डार्कनेस कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो शैडोज की यूज से। इसके बाद आता है गाइस गेन, तो गेन यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर के साथ है। इससे आप यहाँ पर व्हाइट लेवल्स तो कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ये जो ब्लैक कलर है उसे यहाँ पर सेम रखता है। तो इसके बाद आता है गाइस गामा, तो बेसिकली गाइस गामा से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके वीडियो के आउटपुट में कितनी ब्राइटनेस होगी। तो गाइस इसके बाद आता है लिफ्ट, तो लिफ्ट से आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो शेडोज को, इसी के साथ जो डार्क टोन्स होते हैं उन्हें भी यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हो। और सबसे लास्ट में हमारा सबसे प्यारा ह्यू, जिसे आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो पूरी वीडियो का और कलर को पूरा यहाँ पर इन्वर्ट कर सकते हो। तो गाइस आई होप कि आपको यहाँ पर कलर ग्रेडिंग के अपडेट के सारे फीचर्स समझ में आ गए होंगे कि कौन सा फीचर कैसे काम करता है। तो गाइस सेकंड अपडेट भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली अगर आपके वीडियो में बहुत सारे कट्स है और किसी एक स्पेसिफिक कट का कलर एडजस्टमेंट आप सबको देना चाहते हो तो सिंपली आप अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर सकते हो और पूरी तरह से सारे कट्स पर आपको एक ही कलर एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएगी। तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। इसी के साथ ऐसे नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।